हेलो एवरीवन, मैं हूं भूपेश पालीवाल, टारगेट दिस भूपेश ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज का क्लास। आप सभी को पता है कि कल हमने जनवरी 2022 का जो क्लास था वो कवर किया था, मतलब जनवरी 2022 हमारा हो गया है कवर। आज हमें फरवरी से देखना है पार्ट को, फरवरी के जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसे डिस्कस करना है। पैटर्न एकदम सिंपल है, एक एमसीक्यू करेंगे, देन उसका डिटेल देखेंगे, स्पीड में करेंगे सेशन को। कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी को एकत्रित करने का प्रयास करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश की खिलाड़ी इशिका चौधरी का संबंध किस खेल से है? देखिए, खेल और खिलाड़ी वैसे भी हमारे एग्जाम का फेवरेट टॉपिक रहा है, तो इसका ध्यान रखना। इशिका चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी, कुश्ती, मुक्केबाजी, बैडमिंटन। तो इशिका चौधरी जो है उनका संबंध है हॉकी से। आपको ध्यान देना है, इशिका चौधरी हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर की खिलाड़ी है। याद रहे कहाँ से संबंधित है इशिका चौधरी? ग्वालियर की खिलाड़ी है और हॉकी से संबंधित खिलाड़ी है इन्होंने। ठीक है, एकलव्य पुरस्कार भी जीता है 2019 का, ये इसके बारे में खास है। ठीक है, एकलव्य पुरस्कार के बारे में थोड़ा डिटेल दे रखा है स्टैटिक, कि एकलव्य पुरस्कार जो है 94 में इसकी शुरुआत की गई थी, 1 लाख रुपए इसके अंदर दिया जाता है। और मध्य प्रदेश राज्य महिला हॉकी अकादमी जो है वो 2006 में ग्वालियर में स्थापित की गई थी। मध्य प्रदेश पुरुष हॉकी अकादमी जो है वो भोपाल में है, तो दोनों याद रखना है, महिला हॉकी अकादमी ग्वालियर में है और पुरुष हॉकी अकादमी जो है आपका वो भोपाल में है। पहला प्रश्न यहाँ पर कवर होता है। दूसरे प्रश्न को देखते हैं, मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ पर खुलेगा? तो मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल की बात किया जा रहा है, तो इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, सतना। बता दें आपको ये ड्रोन स्कूल के बारे में कि यह ग्वालियर में खुलने वाला है, पहला वाला जो फर्स्ट है हमारे मध्य प्रदेश का। टोटल 5 जो मध्य प्रदेश ने घोषणा किया है, टोटल 5 ड्रोन स्कूल खोलने की बात की है मध्य प्रदेश में। मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि देखिए, सबसे पहले तो मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल जो है वो माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस जो है MITS ग्वालियर में वहां पर खुलने वाला है। ठीक, इसके अलावा आपको याद रखना है कि 5 शहर चयनित हुए हैं, मतलब मध्य प्रदेश में 5 शहर ऐसे हैं जहाँ पे ड्रोन स्कूल ओपन होंगे, जैसे भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सतना और जबलपुर। 4 तो हमारे जो मेन मेन नगर हो गए वो हो गए। ठीक है, 4 जो हमारे मध्य प्रदेश के 4 मेन नगर और सतना इसमें ऐड कर लेना, तो 5 ही हमारे ड्रोन स्कूल खुलने वाले हैं। ऐसा क्यों होने वाला है? तो याद रखना कि 2021 दिसंबर में एक सम्मेलन हुआ था ग्वालियर में, जिसको जिसको कहा गया था देश का पहला ड्रोन मेला, ड्रोन का मेला इसको जो ऑर्गेनाइज किया गया था ग्वालियर में किया गया था, और इसका उद्घाटन किया था ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ड्रोन मेले का उद्घाटन के समय ही घोषणा किया था कि मध्य प्रदेश में 5 ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे, जिसमें से पहला ड्रोन स्कूल ग्वालियर में खुल रहा है। ऐसा कंटेंट को याद रखने का ट्राई करें, कोशिश करें, जो अगर नोट्स बना रहे हैं आप लोग तो नोट्स को भी प्रॉपर नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, पहले ड्रोन मेला लिखना, फिर ड्रोन मेला ग्वालियर, फिर ड्रोन मेला के बाद 5 ड्रोन स्कूल, 5 ड्रोन स्कूल में से फर्स्ट कहाँ पर खुल रहा है? तो ग्वालियर। फिर ग्वालियर में कहाँ पर? तो MITS। ऐसे आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। मध्य प्रदेश शासन द्वारा राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा? नौशाद अली को, शैलेश सिंह को, आनंद मिलिंद को या अमिताभ भट्टाचार्य को? मध्य प्रदेश शासन के द्वारा, ठीक है, राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2020 किसे दिया जाएगा? तो इसका सही आंसर है आनंद मिलिंद को। आप सब ध्यान दीजिएगा, आनंद मिलिंद म्यूजिक डायरेक्टर है, बहुत फेमस म्यूजिक डायरेक्टर संगीतकार जोड़ी हुआ करती थी आनंद मिलिंद, तो उनको दिया गया है। ठीक है, और 2019 के लिए दिया गया है शैलेश को। ठीक है, शैलेश प्लेबैक सिंगर है, और आपको ये भी याद रखना है कि जो लता मंगेशकर पुरस्कार है उसका जो पहला एडिशन था या प्रथम पुरस्कार था वो नौशाद को दिया गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इस बार का 2020 का किसको दिया है? 2020 का आनंद मिलिंद को दिया है, और 2019 का शैलेश को दिया है, और 2019 के पहले जो सबसे पहला पुरस्कार था वो दिया था सरकार की तरफ से नौशाद अली को। ऐसे आपको याद रखना है। अगला है, नदी जोड़ो परियोजना के तहत केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए बजट 2022-23 में कितने करोड़ रुपए की राशि मंजूरी मिली है? 44,000 करोड़, 47,000 करोड़, 46,000 करोड़ या 51,000 करोड़? नदी जोड़ो परियोजना केन बेतवा, जिसे नहीं पता सब लोग नोट करना, केन बेतवा लिंक ये भारत की पहली नदी लिंक परियोजना है जिसको मंजूरी दिया गया, और बजट में इस बार इसके लिए जो राशि दी गई है वो कितनी दी गई है? 44,000 करोड़, 44,605 करोड़ रुपए कुल राशि है, जो कि आपको याद रखना है, जो केन नदी है और जो बेतवा नदी है इन दोनों को बीच में से जोड़ने की राशि है। ठीक है, दोनों को ज्वाइन करने का प्लान है, जिसके चलते आपको याद रखना है कौन कौन से क्षेत्र प्रभावित होंगे। नोट डाउन करें, मध्य प्रदेश के पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह, सागर, दतिया, शिवपुरी, विदिशा, रायसेन।
ये सब मध्य प्रदेश के वो जिले हैं जो इससे प्रभावित होने वाले हैं। यूपी का ललितपुर, ठीक है, इससे प्रभावित होने वाला है, तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। ठीक, अगला है, ऐसा भी पूछ सकते हैं कि केन बेतवा लिंक परियोजना जो है उस पर कौन कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो मध्य प्रदेश और यूपी उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क, जियोलॉजिकल पार्क बनाया जाएगा? भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, श्योपुर। इस क्वेश्चन को भी देखें, जब भी मैं पहले की बात करता हूँ ना, तो ये स्टेटिक क्वेश्चन हो जाता है, मतलब ये 2-3 साल तक आता रहेगा, ये फिक्स हो गया, अब चेंज नहीं होगा। तो भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क कहाँ पर, तो वो है जबलपुर लमलेटा घाट। ठीक है, जबलपुर में जो लमलेटा घाट जो क्षेत्र है वहाँ पर इसको बनाया जाने वाला है, इंडिया का पहला जियो पार्क, ठीक है, जबलपुर में बनने वाला है। ठीक, जो लमलेटा घाट है इसको यूनेस्को की सूची में भी शामिल किया जा चुका है। ये जियो हेरिटेज है, यहाँ डायनासोर वगैरह के जीवाश्म मिले हुए हैं, लमेटा घाट जबलपुर, आपको ये याद रखना है। ठीक है, नर्मदा नदी के किनारे पर। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित नगर पंचायत बाबई का नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया है? बाबई का नाम चेंज कर दिया है, होशंगाबाद का नाम चेंज कर दिया है, तो ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा कि स्पेसिफिक जगह का नाम बदल कर क्या रखा गया है। होशंगाबाद के बाबई पंचायत जो है उसका नाम बदलकर माखन नगर रख दिया बेटा, माखनलाल चतुर्वेदी जो थे आपके उनका जन्म स्थल ही है, और उन्हीं के नाम पे बाबई का नाम चेंज करके माखन नगर कर दिया है। ठीक है, माखन नगर आपको याद रखना है, जन्म स्थली है माखनलाल चतुर्वेदी जी की। ठीक है, चलिए, होशंगाबाद में ही जन्म हुआ था उनका 1888 में। अगला क्वेश्चन है आपका, होशंगाबाद का भी नया नाम है नर्मदापुरम, तो आपको याद रखना नर्मदापुर, इसका भी नया नाम है नर्मदापुर, तो वो भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन है, चिकित्सा पाठ्यक्रम को हिंदी में पढ़ाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? मेडिकल कोर्स को हिंदी में स्टडी कराने वाला पहला राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है। पहला, फिर से देखो, स्टैटिक क्वेश्चन है, हमेशा आएगा कि मेडिकल को हिंदी में पढ़ाने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है, जिसने शुरू किया है। ये भी पूछेंगे कहाँ से शुरू किया है, तो गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल से। कॉलेज का नाम पूछ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में कौन से कॉलेज से शुरू किया है, तो गांधी महाविद्यालय जो है आपका भोपाल, वहाँ से शुरू किया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, चित्र भारतीय राष्ट्रीय लघु फिल्म समारोह प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाएगा? चित्र भारतीय राष्ट्रीय लघु फिल्म समारोह प्रदेश में किस जिले में आयोजित किया जाएगा? तो जबलपुर, इंदौर, भोपाल, रतलाम। सही आंसर है इसका भोपाल। 25 से 27 मार्च को चित्र भारतीय राष्ट्रीय लघु फिल्म उत्सव 2022 कहाँ पर किया गया था? तो ये इसका याद रखे डेट, ये भोपाल में किया था। ठीक, ये भोपाल में हुआ था चित्र भारती लघु फिल्म उत्सव। अगला क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, मध्य प्रदेश के किस जिले में दूसरे जल महोत्सव का आयोजन किया गया? सबसे पहले इस चीज को समझो कि मध्य प्रदेश का जो जल महोत्सव है वो होता है हनुवंतिया में। ठीक है, सबसे पहले इस चीज को आपको क्लियर करना पड़ेगा दिमाग में, ताकि डाउट ना रहे, जो मध्य प्रदेश का जल महोत्सव है वो हनुवंतिया में होता है। ठीक है, हनुवंतिया में हर साल होता है, और 7th 8th एडिशन चल रहा है अभी उसका, तो आप समझ सकते हैं बहुत पुराना हो गया एक प्रकार से, हनुवंतिया में 7-8 साल से चल रहा है, हनुवंतिया खंडवा। ठीक है, ये नर्मदा नदी के तट पर ये हमारे यहाँ पर जल महोत्सव मनाया जा रहा है लगातार। यहाँ पर बात चल रहा है दूसरा जल महोत्सव, मतलब हनुवंतिया को छोड़कर कहीं और भी मना रहे हैं क्या? हाँ, तो वो क्वेश्चन है, तो मंदसौर में शुरुआत किया गया है, तो मतलब मध्य प्रदेश में दो जल महोत्सव होंगे, पहला जो कहाँ पे होता है, पुराना हनुवंतिया में हर साल होता है ये, ठीक है, हनुवंतिया में, और दूसरा जो घोषणा की गई है वो है मंदसौर। देखिए, मंदसौर, मध्य प्रदेश का दूसरा 7 दिन का जल महोत्सव मंदसौर में गांधी सागर जो क्षेत्र है वहां पर किया जाएगा, जब बैक वाटर या गांधी सागर डैम के कारण जो पीछे की तरफ पानी रुका हुआ है उस क्षेत्र में किया जाएगा ये जल महोत्सव। इसमें पहली बार ऐसा होने वाला है कि जल महोत्सव के साथ में नाइट सफारी भी होगी। आपको याद होगा वहां पर सैलाना अभ्यारण्य है, सैलाना अभ्यारण्य यहाँ पर, तो सैलाना अभ्यारण्य वगैरह को दिखाया जाएगा लोगों को, ये है इसके अंदर खास, याद रखें। अगला क्वेश्चन है, देश का चौथा और पश्चिम मध्य रेलवे का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट शुरू किया गया, देश का चौथा, मतलब देश में ऑलरेडी कहीं और भी है लेकिन पश्चिम मध्य रेलवे जो है वहाँ का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट। रेल कोच रेस्टोरेंट में क्या किया जाता है, रेल का जो डब्बा होता है उसको रेस्टोरेंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, पुराने डब्बे जो होते हैं रेलवे के उसको रेस्टोरेंट में बदल दिया जाता है, जिससे पर्यटन बढ़ सके, लोग खाने वगैरह भी आए साथ में पर्यटन बढ़े, इसके चलते किया जाता है रेल कोच रेस्टोरेंट। तो ये जबलपुर में किया गया है, ध्यान देना, इस प्रकार से कुछ दिखता है इसको। फोटो में अगर मैं थोड़ा जूम कर दूं तो आपको थोड़ा इजी लगेगा, देखो इस प्रकार से दिख रहा होगा आपको, एक कोच है, ये ट्रेन के डब्बे हैं, खिड़कियां दिख रही होगी, ठीक है, इस टाइप से कुछ रहता है ये। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक,
तो जबलपुर में किया जा रहा है देश का चौथा और पश्चिम मध्य रेलवे या मध्य प्रदेश का पहला बोल सकते हो आप, मध्य प्रदेश का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट, ठीक है, जबलपुर में इसको स्थापित किया गया है। जबलपुर के बाद अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश की किस विद्युत कंपनी को डिजिटल लेन देन में देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? मतलब मध्य प्रदेश की इलेक्ट्रिक कंपनी है, कोई विद्युत कंपनी है जिसको डिजिटल लेन देन या जो ऑनलाइन लेन देन है उसके चलते देश में पहला पुरस्कार, आप समझ सकते हैं, देश में पहला पुरस्कार, पूर्वी पश्चिमी मध्य या कोई नहीं, इसका सही आंसर आएगा बेटा पश्चिमी क्षेत्र, नहीं पश्चिमी नहीं पूर्व, सॉरी, ठीक है, पूर्व क्षेत्र आएगा, एक सेकंड रुकना सही कर देता हूँ, पूर्व क्षेत्र आएगा इसका, ठीक है, किस क्षेत्र का आएगा? पूर्वी क्षेत्र का आएगा। तो मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र वाला जो क्षेत्र है वहां लगता है जबलपुर, ठीक है, ये जबलपुर क्षेत्र की बात की जा रही है, तो पूर्वी क्षेत्र है। देखो पूर्वी क्षेत्र की विद्युत कंपनी जबलपुर जो है उसने देश में पहला स्थान हासिल किया है, किसमें? डिजिटल लेन देन में, इंपॉर्टेंट है याद रखे, डिजिटल लेन देन में पहला स्थान, ठीक। अगला है, देश का पहला आर्टिफिशियल सलालम कोर्स मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में या किस जिले में लगाया जाएगा? सबसे पहले जो सबसे बेसिक डाउट आएगा सबके दिमाग में कि ये सलालम कोर्स क्या है, सबसे पहले इसको क्लियर करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो सलालम का अर्थ क्या है यहाँ पर, जो आपने देखा होगा कैनोइंग नाव वगैरह होती है, वो जो एक पत्थरों के बीच में से नाव को निकाल के नाव चलाई जाती है, छोटी सी नाव रहती है, एक आदमी बैठता है उसमें, तो उस टाइप का जो नाव का कोर्स होता है उसको बोल रहे हैं सलालम कोर्स। अब हमारे वहाँ पर क्या है, देखो कि नदियाँ वगैरह है जहाँ पर, वहाँ पर किया जा सकता है सलालम कोर्स या फिर ऐसा क्षेत्र बनाना पड़ेगा। तो पहली बार देश में आर्टिफिशियल, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कृत्रिम, पहली बार इंसानों ने बनाया है, वो पूरा एक ट्रैक बनाया है नदियों का जिसमें नाव चलाने वाले लोग प्रैक्टिस करेंगे और जो बड़े बड़े टूर्नामेंट है वो खेलेंगे, तो भोपाल में किया गया। क्वेश्चन को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट रखना। देश का पहला आर्टिफिशियल सलालम कोर्स मध्य प्रदेश में किस जिले में बनाया गया है? तो भोपाल में बनाया गया। इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा, देखो ये नदी बनाई गई है, आर्टिफिशियल नदी है ये रियल नदी नहीं है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस किया जा रहा है सलालम का, ठीक है, इस प्रकार से नाव वगैरह इसके अंदर चलाई जाती है। देश का पहला आर्टिफिशियल कोर्स एशियाड और ओलंपिक गेम्स के प्रैक्टिस करने वाले लोगों के लिए भोपाल में बनाया गया है, ठीक है, ये पूरी एक तरीके की आर्टिफिशियल रिवर होती है। अगला है, टीकमगढ़ जिले की शिवपुरी ग्राम पंचायत का नाम बदलकर क्या रख दिया है? अब अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था बेटा बाबई, ठीक है, बाबई का नाम चेंज किया था, अब शिवपुरी गांव जो है टीकमगढ़ का, शिवपुरी जिला नहीं टीकमगढ़ का, शिवपुरी ग्राम जो है उसका नाम बदल दिया है, उसका नाम क्या रख दिया गया है? तो आपको बताना है उसका नाम क्या रखा है, तो उसका नाम है कुंडेश्वर धाम, सब लोग ध्यान देना, कुंडेश्वर धाम, ये नया नाम रखा है किसका? शिवपुरी का, पर शिवपुरी जिला नहीं है ये याद रखना, शिवपुरी गाँव जो कि टीकमगढ़ का एक गांव था, कन्फ्यूजन होता था शिवपुरी को लेके ऐसे भी, इस कारण से वहां पर एक मंदिर है भगवान शिव का, कुंडेश्वर मंदिर, उसी के नाम पर शिवपुरी गांव का नाम कुंडेश्वर धाम रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में देश का सबसे लंबा रेलवे फ्लाईओवर बनाया जा रहा है? मध्य प्रदेश के किस जिले में देश का सबसे लंबा रेलवे फ्लाईओवर, जबलपुर, भोपाल, कटनी, रतलाम? इस क्वेश्चन में क्या गड़बड़ होने वाली है सब लोग बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि करेंगे गड़बड़ सब लोग। देखो देश का सबसे लंबा रेलवे फ्लाईओवर बन रहा है, जिला पूछे किस जिले में बन रहा है बेटा, तो जिला पूछे तो कटनी जिला, क्वेश्चन को समझो कटनी जिला, और अगर पूछे कि किस रेलवे जोन में बन रहा है तो याद रहे किस रेलवे जोन में बन रहा है, जबलपुर रेलवे जोन में बन रहा है। आप सर्च करेंगे तो आपको दोनों आंसर मिलेंगे, लेकिन दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, क्वेश्चन समझो किस जिले में बन रहा है, कटनी जिले में बन रहा है, किस रेलवे जोन के अंतर्गत बन रहा है, तो जबलपुर रेलवे जोन के अंतर्गत बन रहा है, जबलपुर का लगता है रेलवे जोन वहां पर और कटनी में बन रहा है। यहाँ पर समझना, इस फ्लाईओवर की विशेषता ये है कि रेलवे का फ्लाईओवर है, मतलब यहाँ पर सड़क या जो हमारे नॉर्मल पुल होते हैं गाड़ी वगैरह के वो नहीं है, रेलवे का, रेलवे रेल जाएगी इस फ्लाईओवर से, इसलिए खास है ये, तो यहाँ पर ध्यान देना। सॉरी, कटनी में बन रहा है देश का सबसे लंबा फ्लाईओवर जिस पर ट्रेनों को फ्लाईओवर से निकाला जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, रेलवे का या ट्रेनों का फ्लाईओवर है ये। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश शासन वर्ष 2022 से कौन से पुरस्कार प्रारंभ करने वाली है, मतलब इस साल से मध्य प्रदेश सरकार ने कौन से नए पुरस्कार शुरू किए आपको बताना है। तो मध्य प्रदेश रत्न शुरू किया है, मध्य प्रदेश गौरव, मध्य प्रदेश श्री या सभी, तो इसका सही आंसर आएगा सभी।
मध्य प्रदेश सरकार ने सभी पुरस्कार देने की बात करी है, वैसे ही रहेगा जैसे पद्मश्री पद्म भूषण दिया जाता है, वैसे ही मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश रत्न, मध्य प्रदेश गौरव और मध्य प्रदेश श्री देगी इस साल से, ठीक है। साहित्य, कला, चिकित्सा, विज्ञान, शिक्षा, इन सब क्षेत्रों में दिया जाएगा। अगला है, मध्य प्रदेश के किस जिले में देश का, दुनिया का सबसे बड़ा चतुर्मुखी जिनालय, जैन मंदिर है, चार मुखी बनाया जा रहा है। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि हमारे मध्य प्रदेश में दो जैन मंदिर बन रहे हैं, दो जैन मंदिर बन रहे हैं, ठीक है, दोनों ही चर्चा में है। तो आपको याद रखना है दोनों की क्या क्या विशेषता है। यहाँ पर बात की जा रही है दुनिया का सबसे बड़ा चतुर्मुखी, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा चतुर्मुखी, चार मुंह वाला जैन मंदिर की बात की जा रही है कि चार मुखी सबसे बड़ा कहाँ बन रहा है। याद रखना है सागर में बन रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा, ये इस टाइप का कुछ डिजाइन रहेगा इस मंदिर का। दुनिया का सबसे बड़ा चतुर्मुखी जिनालय या जैन मंदिर जो बन रहा है वो है सागर में। 216 फुट का ये मंदिर होने वाला है, ठीक है, 216 फुट का मंदिर होने वाला है, दुनिया का सबसे बड़ा चतुर्मुखी मंदिर की बात की जा रही है। अगर मैं इसको चतुर्मुखी के अलावा इससे कहूँ कि यह सबसे ऊंचा मंदिर है, ऊंचा मंदिर, जैन मंदिर भी सबसे ऊंचा, बड़ा तो है ही, सबसे ऊंचा जैन मंदिर भी यही है, तो ये भी याद रखे आप, 216 फीट का सबसे ऊंचा मंदिर है। अगला है, देश का सबसे बड़ा मास्क कहाँ बनाया गया, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, छिंदवाड़ा। देश का सबसे बड़ा मास्क कहाँ बनाया गया, तो सही आंसर आएगा इसका छिंदवाड़ा, ध्यान देना, छिंदवाड़ा में किया गया था ये, इस प्रकार का कोई मास्क था, आप देख सकते हैं फोटो में, 64 फीट लंबा मास्क। अब आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा देश का सबसे बड़ा मास्क पटना में, देश का सबसे बड़ा मास्क इलाहाबाद में, देश का सबसे बड़ा मास्क है वाराणसी में। तो अब कंफ्यूज नहीं होना है आपको, आप जब सारे मास्कों को सर्च करोगे, जैसे पटना वाले सर्च करोगे, इलाहाबाद वाला या प्रयागराज वाला सर्च करोगे, वाराणसी वाला सर्च करोगे, तो आपको पता चलेगा उनकी जो लंबाई है वो लंबाई और चौड़ाई दोनों कम है इस मास्क के कंपेयर में, समझो इस चीज़ को। छिंदवाड़ा वाला जो है वो 64 फीट का है बेटा, इतना बड़ा कहीं पर भी नहीं है। तो वो क्या होता है कि जब भी कहीं बनाते हैं तो वो घोषणा करते हैं इस टाइप से कि सबसे बड़ा हमारा है टाइप, लेकिन नहीं, छिंदवाड़ा का सबसे बड़ा मास्क था 64 फीट लंबा, 4 फीट चौड़ा और इस प्रकार से 11 इंच चौड़ा, ये जो मास्क था इस प्रकार से था ये, ठीक है। इस मास्क को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया भारत का सबसे लंबा मास्क के रूप में, 64 फीट लंबा मास्क छिंदवाड़ा, लोगों को थोड़ा इंस्पायर करने के लिए कोरोना में मास्क पहनने के लिए। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस गाँव से नगर या ग्राम जन्म दिवस या जन्म गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। अब ये क्या है मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ, इस क्वेश्चन को समझो पहले कि सीएम ने किस गांव से गांव जन्म दिवस को मनाने का शुरुआत किया है। तो ये गांव है आपका जेत गांव सीहोर, ठीक है, उनका होम टाउन है ये जेत गांव। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 8 फरवरी से सीहोर का जो जेत गांव है, या गांव जो है जेत गांव सीहोर का, उसे गांव दिवस या गांव जन्म दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया। ये हो गया जेत गांव की स्टोरी, लेकिन जेत गांव से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है वो समझो, यहाँ से प्रश्न क्या क्या हमारे काम के हैं वो सुनते जाना। सबसे पहले जेत गांव कहाँ पर है, तो ये सीहोर में, नोट डाउन करना अगर आप लोग लिख रहे हैं तो, जेत गांव सीहोर में है। और यहाँ से इम्पोर्टेंट ये याद रखना, 8 फरवरी गांव दिवस शुरू किया, ठीक है, सीएम ने। अब यहाँ से याद रखना 31 मई जो इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम में आएगा, इंदौर दिवस, ठीक है, और 1 जून भोपाल दिवस, ये आपके एग्जाम में आने लायक है, दोनों के रीजन सुन लेना। 31 मई को माता अहिल्या का जन्मदिन है, माता अहिल्या जी का जन्मदिन है, तो माता अहिल्या जी का, ठीक है, जन्मदिन है बेटा, इसलिए इंदौर में जन्मदिन 31 मई। और 31 जून जो दिख रहा है आपको, ये भोपाल को मिलाया गया था भारत देश में, तो भोपाल का विलय, जिसके चलते 1 जून को भोपाल दिवस मनाया जाएगा, याद रहे सबको। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में अशिक्षितों को शिक्षा से जोड़ने के लिए एक एप्लीकेशन शुरू किया, उसका नाम क्या है, तो प्रौढ़ शिक्षा एप्लीकेशन, यूज एजुकेशन मोबाइल एप्लीकेशन, शिक्षा मोबाइल एप्लीकेशन, या पढ़ना लिखना मोबाइल एप्लीकेशन। तो अशिक्षितों को शिक्षा से जोड़ना, मतलब ऐसे लोग जो पहले ऑलरेडी अशिक्षित है उन्हें शिक्षा से जोड़ने के लिए प्रौढ़ शिक्षा एजुकेशन, इसका जो काम है प्रौढ़ शिक्षा मोबाइल एप्लीकेशन का, इसके चलते क्या कर सकते हैं, जो लोगों ने शिक्षा नहीं ली है उन लोगों को थोड़ा सा बेसिक एजुकेशन देने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है, याद रहे सबको। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा नर्मदा नदी के उद्गम से लेकर अंत तक 1312 किलोमीटर,
नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। तो निम्न में से किसके द्वारा नर्मदा नदी के उद्गम से अंत तक 1312 किलोमीटर तक एक गोंड वर्क आर्ट बनाया जा रहा है? तो आपको बताना है किसके द्वारा, भूरी बाई के द्वारा, दुर्गा बाई व्याम के द्वारा, पंडित राम साहेब पांडे या पार्वती परस्ते। मैं इस क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, प्ले आप लोग इस क्वेश्चन को समझें। यहाँ पर जो कलाकार है वो पूरे नर्मदा नदी के आसपास नहीं बना रहा है बेटा, उन्होंने क्या किया, एक लकड़ी का एक पूरा पटिया है, बहुत बड़ा सा मतलब दीवार टाइप है लकड़ी की, और उस दीवार पे पेंटिंग, जैसे यहाँ से शुरू किया तो आप थोड़ा थोड़ा समझ रहे होंगे। अच्छा, जैसे नॉर्मल एक पेंटिंग होता है कि अमरकंटक, फिर यहाँ जबलपुर, फिर यहाँ से निकलते निकलते, मतलब एक नदी बना दी यहाँ पे, और नदी के आसपास, मतलब नदी के आसपास पूरा कल्चर दिखा दिया उन्होंने, कि जैसे यहाँ पर जबलपुर के बारे में बता दिया, यहाँ पे थोड़ी देर बाद होशंगाबाद के बारे में बता दिया, थोड़ा ओंकारेश्वर, थोड़ा सा सरदार सरोवर, मतलब पूरा एक नदी पट्टी बनी हुई है और उसको दर्शाया गया है। तो ये किसने किया है गोंड वर्क आर्ट? तो ये किया है पद्मश्री दुर्गा बाई व्याम ने। क्वेश्चन को समझो पहले। खजुराहो में आदिव्रत संग्रहालय, मतलब इन्होंने कहाँ पर किया है ये, खजुराहो के आदिव्रत संग्रहालय, आदिव्रत संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, प्रश्न आ सकता है। खजुराहो में नर्मदा नदी की पूरी यात्रा को पद्मश्री दुर्गाबाई व्योम जो है उनके द्वारा गोंड आर्ट वर्क के द्वारा बनाया गया। 125 फीट लंबा ये जो मैंने प्लाईवुड बताया वो है, जिस पर नर्मदा नदी के किनारे बसने वाली जनजाति, तीर्थ, संस्कृति आदि को उन्होंने चित्र बनाया है। दुर्गाबाई व्योम का संबंध किससे, मंडला जिले से संबंधित है, याद रहे सबको। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत कोकिला लता मंगेशकर के नाम से प्रदेश के किस जिले में संगीत अकादमी, संगीत महाविद्यालय और संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? लता मंगेशकर संगीत अकादमी, लता मंगेशकर संगीत महाविद्यालय, लता मंगेशकर संग्रहालय, ये तीन इंस्टीट्यूट ओपन होने वाले हैं कहाँ पर, इंदौर में। क्वेश्चन को समझे, बहुत खास है कि लता मंगेशकर के नाम पर लता मंगेशकर अकादमी, लता मंगेशकर संगीत महाविद्यालय, लता मंगेशकर संग्रहालय इंदौर में ओपन होने वाला है। इंदौर में ही जन्म हुआ था उनका और बचपन का नाम उनका हेमा था, लिख लेना, लता मंगेशकर के बचपन का नाम क्या था, हेमा था। अगला क्वेश्चन है आपका, पाट देव वाली बाघिन किस राष्ट्रीय उद्यान में प्रसिद्ध है? इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके पहले भी सेम ऐसा क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया था, वो 2 बार चर्चा में रहा, 2 बार वो अलग अलग एग्जाम्स में आया है, तो प्लीज इस क्वेश्चन को इग्नोर मत करना। पाट देवी वाली बाघिन जो है वो है आपका पेंच में, ये कॉलर वाली बागिन जो थी ना उसी की बेटी है ये, कॉलर वाली बागिन जो थी उसकी बेटी है ये। अब देखो कॉलर वाली बागिन क्यों इतनी चर्चा में, मैं बता देता हूँ कि उसने अपने जीवन में 29 बच्चों को जन्म दिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि एक बागिन के द्वारा अपने पूरा लाइफ साइकिल में 29 बच्चों को जन्म देना, ये कॉलर वाली बागिन का कमाल था। अब कॉलर वाली बागिन के ही नक्श कदमों पर चलते हुए उसकी बेटी है पाट देवी वाली बागिन, और वह भी अभी तक, ठीक है, एक साथ 5 बच्चों को जन्म दिया उसने भी, और टोटल इसके बच्चे हो गए हैं 16, तो कुल मिलाकर ये भी फेमस हो चुकी है जितना इसकी माता फेमस थी। तो आपको याद रखना पेश नेशनल पार्क में है पाट देव वाली बाघिन, और ये अभी तक 16 बच्चे जन्म दे चुकी है, ठीक है। चलिए, ये भी सुपर मॉम बन सकती है, वैसे सुपर मॉम अभी तक बाघों में सुपर मॉम कौन है, कॉलर वाली बाघिन थी, 29 बच्चे, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा कितने नए नगर परिषद का गठन किया गया है? 2, 3, 4, 5 नगर परिषद, अभी हाल ही में नगर परिषद के जो गठन किए हैं प्रदेश में, तो 4 नए नगर परिषद के गठन किए, नाम ध्यान से लिखना, मध्य प्रदेश सरकार ने 4 नए नगर परिषद का गठन किया है। अनूपपुर का बरगवा अमलई, जहाँ पे पेपर मिल आपको याद होगा, सिंगरौली का सरई और बरगवा, दो हो गए सिंगरौली में, और तीसरा है आपका सागर जिले का कुर्रापुर। तो आप देख सकते हैं 4 आपको दिख रही होगी, एक तो बरगवा 1, सरई 2, बरगवा 3 और कुर्रापुर 4, ये चारों के नाम लिख लेना कहाँ कहाँ पर है, ये नए नगर परिषद है टोटल, या नए नए नंबर न्यू जो डेटा है याद रखना कि प्रदेश में टोटल नगर परिषद कितने हो गए बेटा, 298, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिस कर देंगे बहुत लोग, ठीक। अगला क्वेश्चन है, देश में स्वीट कॉर्न ग्राम के रूप में मध्य प्रदेश के किस जिले का गांव अपनी पहचान बना रहा है? स्वीट कॉर्न, स्वीट कॉर्न गांव, मतलब ये जो आपने मक्का देखा होगा आजकल बहुत चल रहा है, स्वीट कॉर्न मक्का, मक्के के दाने, और ऐसे में कोई गांव है जो किस जिले का गांव अपनी पहचान बना रहा है, तो देश में स्वीट कॉर्न के मामले में तो आंसर है छिंदवाड़ा। आपको याद रखना है कॉर्न सिटी कैसे फेमस हो रहा है, छिंदवाड़ा कॉर्न सिटी, मक्का सिटी या मक्का शहर के रूप में फेमस हो रहा है छिंदवाड़ा, और छिंदवाड़ा का बीजकवाड़ा गाँव, गाँव का नाम क्या बेटा, बीजकवाड़ा गाँव, जो स्वीट कॉर्न के रूप में देश में अपनी पहचान बना रहा है। स्वीट कॉर्न यहाँ से काफी देश में दिया जा रहा है या बेचा जा रहा है, ठीक, छिंदवाड़ा का बीजकवाड़ा गांव।
अगला क्वेश्चन है, इंदौर के किस मंदिर में संस्कृत विद्यालय भी संचालित किया जाएगा? जल्द ही इंदौर में किस विद्यालय में संस्कृत को लेकर एक स्कूल शुरू करने वाले हैं? तो खजराना मंदिर या बड़ा गणपति मंदिर, कांच मंदिर या बीजासन मंदिर? सबसे पहले तो आप याद रखना है चारों मंदिर जो है ये इंदौर में है, तो अपने काम का हो जाएगा कि इंदौर के मंदिरों की सूची, खजराना, बड़ा गणपति, कांच मंदिर और बीजासन माता मंदिर। अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि संस्कृत विद्यालय हमारे वहाँ पे ऑलरेडी है, उज्जैन में है, भोपाल में है, सीहोर में है, ठीक है, एक मैहर में है, तो संस्कृत विद्यालय इम्पोर्टेंट नहीं है। इंदौर में किस मंदिर में संस्कृत विद्यालय, क्वेश्चन को ऐसे ही पूछा जाएगा, तो खजराना गणेश मंदिर में ओपन किया जा रहा है, बस आपको इतना याद रखना है, खजराना गणेश मंदिर इंदौर का जो है, जहाँ पर संस्कृत विद्यालय शुरू किया जाएगा, संस्कृत वगैरह में एजुकेशन वगैरह शुरू की जाएगी, खजराना गणेश मंदिर। क्वेश्चन है आपका अगला, मध्य प्रदेश के किस जिले में शंकरपुर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा? तो ये नए खेलकूद से संबंधित क्वेश्चन है कि शंकरपुर क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर? अच्छे अच्छे लोग इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो सकते हैं, शंकरपुर ग्वालियर में बेटा। अब कारण क्या है कंफ्यूजन होने का वो सुन लो, क्योंकि ग्वालियर में ऑलरेडी कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम है, ये कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम वही स्टेडियम है जहाँ पर सचिन ने दोहरा शतक बनाया था, सचिन ने दोहरा शतक बनाया था कैप्टन रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम में, याद रखना। वहीं पर दूसरा स्टेडियम बनाया जा रहा है शंकरपुर, इस प्रकार से ग्वालियर में दो क्रिकेट स्टेडियम हो जाएंगे। इन अभी प्रदेश का सबसे ज़्यादा मतलब जनता बिठाने वाला जो स्टेडियम है वो होलकर स्टेडियम है, 30,000 जनता बिठाने की क्षमता रखता है होलकर स्टेडियम, प्रदेश का अभी जो सबसे बड़ा स्टेडियम है, बदल जाएगा, ये हो जाएगा फिर आपका शंकरपुर क्रिकेट स्टेडियम ग्वालियर, ठीक है, 50,000 की कैपेसिटी रहेगी इसकी ग्वालियर में। अगला क्वेश्चन है आपका, पहला पंचकर्म हॉस्पिटल मध्य प्रदेश के किस जिले में खोला जाएगा? पंचकर्म हॉस्पिटल, सबसे पहले सवाल बनता है पंचकर्म क्या है, ये आयुर्वेद वगैरह से संबंधित होता है, जैसे आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, आपने 13 नाम देखी होगी सलमान की, तो 13 नाम के अंदर देखा ना, जब उसको कोमा वगैरह में चला जाता है तो वो पत्तियाँ रखते हैं सर के ऊपर, वो पानी वगैरह डालते हैं, इस टाइप से कुछ एक्टिविटी आयुर्वेद की करते हैं, तो उसको पंचकर्म बोलते हैं, ठीक है, तो पंचकर्म वैसे ही कुछ हॉस्पिटल होगा जिसके अंदर गाने वगैरह बजाए जाएंगे एकदम, और वैसे ही इलाज किया जाएगा, तो ये भोपाल में किया जाने वाला है, ठीक है, मध्य प्रदेश के भोपाल में खुशीलाल आयुर्वेद कॉलेज में, ठीक है, पर्यटन वगैरह को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि लोग आएंगे ऐसी ऐसी थेरेपी वगैरह करवाने के लिए, और देश का या प्रदेश का जो पहला पंचकर्म सुपर स्पेशलिस्ट बनाया जा रहा है, इस पे क्या किया जाता है बेटा, स्पा वगैरह होते हैं यहाँ पे, और मधुर संगीत वगैरह जैसे मैंने बताया था कि इस टाइप से लेटा देते, गाने वाने बजते हैं, और तो थोड़ा सा पानी वगैरह सर पर डाल के मसाज वगैरह आदि की जाती है, ठीक, भोपाल में किया जाने वाला है, कहाँ पे, खुशीलाल आयुर्वेद कॉलेज में। अगला क्वेश्चन है, बेबी फीडिंग सेंटर, बच्चों को दूध पिलाने का एक सेंटर बनाया जा रहा है, दुलार नाम है इसका, दुलार, तो मध्य प्रदेश का किस यूनिवर्सिटी में, क्योंकि कई बार देखा गया है कि बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में भी जगह नहीं होती जहाँ पे माताएं अपने बच्चों को दूध पिला पाए, तो ऐसे में मध्य प्रदेश का विश्वविद्यालय है जीवाजी यूनिवर्सिटी, ग्वालियर का जीवाजी यूनिवर्सिटी जो है उसने ओपन किया है बेबी फीडिंग सेंटर, मध्य प्रदेश का पहला, और नाम याद रखना है इसका, नाम क्या, दुलार, सेंटर का नाम क्या, दुलार बेटा, जीवाजी यूनिवर्सिटी का दुलार, जो क्या है प्रदेश का पहला बेबी फीडिंग सेंटर है, जीवाजी यूनिवर्सिटी, सबको याद रखना है, जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर, बेबी फीडिंग सेंटर दुलार, ठीक है, प्रदेश का पहला जीवाजी यूनिवर्सिटी के बाद अगला क्वेश्चन है, देश का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? बायोमास आधारित जो है आपका कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है ये, तो ये है आपका खंडवा में, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर जो भी कचरा वगैरह है बायोमास जो भी है तो उसको इकट्ठा करके उससे 30 टन कचरे से 1 टन हाइड्रोजन बनाने का टारगेट है, ये जो है मध्य प्रदेश के खंडवा में स्थापित किया गया बायोमास आधारित, ठीक है, बायोमास आधारित ये आएगा एग्जाम में, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आया तो ये लिखा हुआ आएगा कि बायोमास आधारित H2 प्लांट, ठीक है, और सबसे बड़ा H2 प्लांट कहाँ पे ओपन हुआ है बेटा, सबसे बड़ा H2 प्लांट विजयपुर, कल बताया था ना, विजयपुर गुना में, ठीक, आपको भूलना नहीं है, सब अलग अलग है, वो सिर्फ हाइड्रोजन प्लांट था, ये वाटर मास आधारित हाइड्रोजन प्लांट है। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली महिला क्रिकेट अकादमी कहाँ पर खोली जा रही है? देश की पहली क्रिकेट महिला अकादमी, क्वेश्चन को समझो, देश की पहली क्रिकेट अकादमी, पुरुषों की क्रिकेट अकादमी जो है बेटा वो है बेंगलोर में, नेशनल क्रिकेट अकेडमी बेंगलुरु, ठीक है, पुरुषों की तो बेंगलुरु में है, ठीक है, यहाँ पर बात की जा रही है महिलाओं की क्रिकेट अकादमी की, तो वो ओपन होने वाली है शिवपुरी में, ठीक है, मध्य प्रदेश की क्रिकेट अकादमी है, तो माधव राव खेल परिसर जो शिवपुरी में है वहीं पर ही, ठीक है, महिला क्रिकेट अकादमी खोली जा रही है, देश की पहली बार, देश में पहली बार महिला या वुमेन्स के लिए क्रिकेट अकादमी ओपन हो रही है, ठीक है, कहाँ पर हो रही है, तो शिवपुरी में हो रही है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की पहली वैदिक घड़ी
मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थापित की गई है? विश्व की पहली वैदिक घड़ी। ये वैदिक घड़ी का लॉजिक क्या है? इसमें टाइम अलग तरीके से देखा जाता है, हर समय के अलग अलग नाम है जो हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से होते हैं, ठीक है। तो वैदिक घड़ी जो स्थापित की जा रही है वो है उज्जैन में। यहाँ पर ध्यान देना, ये विश्व की पहली वैदिक घड़ी जो मध्य प्रदेश के उज्जैन में टावर चौराहे पर स्थापित की जाएगी। ये जो घड़ी है ये अलग तरीके से काम करती है, ये जो घंटे और जो दिन है उसको अलग अलग प्रकार से कैलकुलेट करती है। लेकिन हाँ, अगर कोई चाहे तो इस प्रकार से ये घड़ी को कैलकुलेट कर सकता है। ये हेल्प करती है मुहूर्त में, मुहूर्त वगैरह होते हैं ना, मुहूर्त निकलते हैं जो पंडित वगैरह मुहूर्त बताते हैं, वो सब इसके द्वारा आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो कालगणना वगैरह है और ये उसके चलते किया जाता है। तो याद रहे, वैदिक घड़ी देश की पहली, विश्व की पहली वैदिक घड़ी, और वो है आपके उज्जैन में। ये हर एक समय का मुहूर्त वगैरह बताती रहेगी, अलग अलग काल बताती रहेगी, किस समय क्या चल रहा है, कौन सी राशि में क्या चल रहा है, सब बताएगी ये घड़ी। तो ये कहाँ पर? उज्जैन में। तो ये थे हमारे फेब्रुअरी के क्वेश्चंस, और फेब्रुअरी खत्म कर दिया हमने। मैंने कहा था छोटे छोटे सेशन से जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे हम, ठीक है। तो उम्मीद है सब लोगों का फरवरी करंट अफेयर मध्य प्रदेश का कवर हुआ होगा हमारे साथ में। बीच बीच में मैंने एक्स्ट्रा डिटेल बताई है, वो जरूर याद रखना। और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा आपको। टारगेट विद भूपेश टेलीग्राम पे सर्च करें, लोगो आ जाएगा, सर्च करेंगे तो ये लोगो आ जाएगा, ठीक है। तो जुड़ सकते हैं आप हमारे टेलीग्राम पर भी, तो PDF वगैरह आपको वहाँ पे इससे रिलेटेड मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं अब हम लोग जल्दी, अभी के लिए करेंगे इतना ही। उम्मीद है सबको पसंद आया होगा क्लास। जय हिंद, जय भारत।